लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुनियों पर भयानक अत्याचार करता है। बाल योगियों की प्रार्थना पर प्रकट श्री हरि विष्णु का चक्र सुदर्शन अंत में नमुची का वध करता है। ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन प्राप्त कर देवर्षि नारद वैकुंठ में श्री लक्ष्मी नारायण के सन्मुख प्रकट होते हैं। जगत पालक विष्णु जी नारद को वैकुंठ में आयोजित महासम्मेलन का संयोजक नियुक्त करते हैं तथा समस्त सातों ग्रह एवं माता पार्वती सहित महेश्वर को निमंत्रण देने भेजते हैं। परंतु दूसरी ओर महासम्मेलन का निमंत्रण पाकर शुक्रदेव उद्विग्न हो उठे। अपने उद्वेग और उद्विग्नता का शमन कर मार्गदर्शन प्राप्त करने
वे अपने महान पिता सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि के आश्रम में प्रकट हुए। पितृदेवाय भवः। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ओम सोमेश्वराय नमः। पुत्र शुक्रदेव, तुम यहां? जी पिताश्री। जब मेरा उद्वेग शांत नहीं हुआ तो मुझे शुक्रलोक छोड़कर आपके पास आना ही पड़ा। तुम भृगु ऋषि के पुत्र हो शुक्रदेव, ऐसा कौन सा उद्वेग है जिसे तुम शांत नहीं कर पाए? पिताश्री, शुक्र ग्रह को तेज और ओज प्रदान करते समय आपने असुरों के हित का उत्तरदायित्व भी मुझे सौंपा था। यह सत्य है पुत्र, अपने आराध्य भगवान शिव के समान तुम्हें भी असुरों के हित का ध्यान रखना है। परंतु असुरों पर जो अत्याचार हुआ वो आपको ज्ञात नहीं है पिताश्री? विष्णु के अंशावतारी चार बाल योगियों ने असुर राज नमुची और उसके साथियों को विष्णु से प्राप्त सुदर्शन चक्र से समाप्त कर दिया। यह भगवान शिव का आदेश स्वीकार न करने का परिणाम था शुक्रदेव। जो अन्याय करेगा वह दंड तो पाएगा ही। अर्थात मैं असुरों का संहार देखता रहूं और कुछ न करूं? नमुची के संहार के साथ ही सारी असुर जाति का अंत नहीं हुआ है पुत्र। अधिकांश असुर अब भी पाताल लोक में सुरक्षित हैं। यदि असुर अपनी सीमा में रहेंगे तो उनका कोई अहित नहीं होगा। जाओ, अपने ग्रह को लौट जाओ पुत्र। पिताश्री, आपको ये भी ज्ञात हो गया होगा कि वैकुंठपति भगवान विष्णु ने ब्रह्मा शिव समस्त देवताओं और सातों ग्रहों को किसी महासम्मेलन हेतु वैकुंठ लोक में आमंत्रित किया है। हाँ, देवर्षि नारद स्वयं यहाँ आकर मुझे बता गए हैं। देवता सदा असुरों पर अन्याय करते आए हैं, इस हेतु मेरी उस महासम्मेलन में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं रही। जिस महासम्मेलन में स्वयं भगवान शिव माता पार्वती सहित उपस्थित हो, वहां निमंत्रित होकर भी नहीं जाना अनुचित होगा पुत्र। तो क्या मैं असुरों के प्रति हुए अन्याय का प्रतिकार न करूं? आपने जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है उससे मैं स्वयं मुंह मोड़ लूं? उत्तेजित न हो पुत्र, तुम शुक्रदेव हो, उत्तेजना तुम्हें शोभा नहीं देती। असुरों के उत्कर्ष के और भी अनेक अवसर आएंगे। मेरी बात मानो और महासम्मेलन में अवश्य जाओ। पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा मानकर अवश्य जाऊंगा, किंतु असुरों के प्रति अन्याय का प्रचंड विरोध अवश्य करूंगा। जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम। शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव सन्निभम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। गर्भसंभूतं विद्युत्कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम्। श्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्।
भूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं मृणालाभं दैत्यानां शुभकारकं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् वैकुंठ की शोभा तो सबसे निराली है। महासम्मेलन में आप सबका स्वागत है। सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुद्धदेव, बृहस्पतिदेव, शुक्रदेव और आप शनिदेव पधारिए। नारायण नारायण। जगत पालक भगवान श्री विष्णु और माता महालक्ष्मी की जय जय जय। सृष्टि के सृजनकर्ता परम पिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती की जय जय जय। देवाधिदेव कैलाशपति शिव शंकर और माता पार्वती की जय जय जय। मैं जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने आशीर्वचनों से इस महासम्मेलन का शुभ आरंभ करें। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण, उनके प्रति शुभकामनाओं की अभिवृद्धि तथा जप तप और व्रत की महिमा पर विचार विमर्श करने के लिए आज बैकुंठ में इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये तो आप सबको ज्ञात ही है। हे जगत पालक जगदीश्वर श्री विष्णु, इस महासम्मेलन के आयोजन के लिए हम ही नहीं समस्त संसार आपका कृतज्ञ है। आज हम सबको मिलकर जप तप और व्रतों से मिलने वाले पुण्य लाभ पर चर्चा करनी है। अवश्य अवश्य। इस चर्चा के उपरांत हम जप तप और व्रतों के नीति नियम निर्धारित करेंगे। संसारवासी अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा शांति प्राप्त करने के लिए कौन से विशेष जप तप और व्रतों का अनुष्ठान करें, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कौन सा व्रत किस दिन किया जाए, ये सब हमें इस महासम्मेलन में निर्धारित करना है।
ऐसा प्रतीत होता है शुक्रदेव कि जप तप और व्रत की महिमा बढ़ाने का उद्देश्य असुरों का सर्वनाश है। सूर्य पुत्र शनि देव, असुर जप तप और व्रत के पुण्य लाभ से वंचित कैसे रह सकते हैं? इसका लाभ तो समस्त संसार को प्राप्त होगा। क्या आप विष्णु के स्वभाव से अपरिचित हैं शुक्रदेव? आप निश्चिंत रहिए शनिदेव, इस बात की पुष्टि मैं अभी कर लेता हूं। असुरों पर अन्याय शुक्र किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करेगा। वैकुंठ पति श्री विष्णु, कृपया आप इतना स्पष्ट कर दें कि इस महासम्मेलन में असुरों को किस प्रकार का लाभ होगा। जगत पालक श्री विष्णु, असुरों के कल्याण के लिए आप अपनी योजना स्पष्ट करें। जब तब और व्रतों का अनुष्ठान करने का अधिकार संसार के समस्त प्राणियों को है। असुर जाति संसार के प्राणियों से भिन्न नहीं है। असुर जाति भिन्न भले ही ना हो, किंतु सृष्टि के प्रथम दिन से ही उनके साथ अन्याय हुआ है। सत्य तो ये है शुक्रदेव कि अपनी शक्ति के अहंकार में डूबे असुरों ने संसार पर अत्याचार किया है। सृष्टि के निर्बल प्राणियों को भयभीत कर अपना ग्रास बनाया है। आपको संभवतः इस बात का ज्ञान नहीं कि असुरराज नमुची अपनी शक्ति प्रदर्शन और विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से एक विस्फोट के साथ कैलाश पर प्रकट हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं दीवानदेव? परंतु हमने उसके इस दुस्साहस का उत्तर शांति से दिया। हमने उसे समझाया कि असुरों के उत्कर्ष का एकमात्र उपाय है जब तब व्रत का अंगीकार करना। परंतु नमुची ने हमारे विनम्र अनुरोध की अवहेलना की। आप असुरों के आराध्य हैं शिव शंकर, किंतु आपने भी विष्णु जी द्वारा नमुची और अन्य असुरों के निर्ममतापूर्ण संहार को रोकने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। क्या यह असुरों के प्रति अन्याय नहीं है? मृत्युलोक के हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अपराध करने वाले को उसके कुकर्मों के अनुसार दंडित करना हम त्रिदेवों का कर्तव्य और विधि का सुनिश्चित विधान है। इसमें अन्याय का प्रश्न ही कहां उठता है? विधि के इस सुनिश्चित विधान का निर्माण देवताओं का पक्षपात करने के उद्देश्य से किया गया है। जब तक जप तप और व्रत का फल देवताओं के साथ साथ असुरों को भी प्राप्त होना निश्चित नहीं हो जाता, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। आप अपनी बात स्पष्ट कहें शुक्रदेव। यज्ञ भाग से प्राप्त होने वाली शक्ति पर देवताओं के समान ही असुरों का भी अधिकार सुनिश्चित हो। अनुष्ठान आराधना के सम्मान के अधिकारी देवताओं के साथ साथ असुर भी तो हैं। शुक्रदेव, असुरों में जन्म से ही तामसिक वृत्तियां होती हैं। जिनके मन में प्राणी मात्र के कल्याण के स्थान पर बलपूर्वक अधिकार छीनने तथा सत्ता हथियाने की लालसा हो, वो पूजनीय कैसे हो सकते हैं? देवाधिदेव शिव शंकर ने असुरों को उचित परामर्श दिया था कि पहले वे जप तप और व्रत का कल्याणकारी मार्ग स्वीकार करें, तत्पश्चात उनमें पूजिता की भावना
स्वयं ही विकसित होगी। मुझे आपका परामर्श स्वीकार नहीं है वैकुंठपति। इस महासम्मेलन में सर्वप्रथम आप असुरों को जप तप और व्रत के पुण्य फल पाने का अधिकार प्रदान करें, तभी इस महासम्मेलन की सार्थकता है। मैं शुक्रदेव के इस विचार का समर्थन करता हूं कि इस महासम्मेलन में यदि असुरों के प्रति अन्याय हुआ तो यह अनुचित होगा। सत्य तो यह है कि इस महासम्मेलन में निश्चित विषय जप तप और व्रत असुरों के विरुद्ध एक षड्यंत्र के समान है। शुक्रदेव, आप ग्रहों के मर्यादा के विपरीत प्रश्न उठा रहे हैं। मैं ग्रहपति सूर्य आपको आदेश देता हूं कि हम सबके पूज्य श्री विष्णु से क्षमा याचना करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपके आदेश की सीमा में बंधा हुआ नहीं हूं सूर्यदेव। शुक्रदेव, जिन असुरों के पक्ष में आप इस महासम्मेलन की उपयोगिता पर प्रश्न उठा रहे हैं, उनका आचरण भी तो देखें। शुक्रदेव, आप अपनी सीमा लांघने का दुस्साहस कर रहे हैं, इसका परिणाम घातक होगा। तुम मुझे चेतावनी दे रहे हो बृहस्पति? तुम? हाँ। इंद्र के सम्मुख तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? स्वर्ण के लोभ में ज्ञान का व्यापार करने वाला शुक्र को चेतावनी दे रहा है। शुक्रदेव, आप शांत हो। शुक्रदेव, आपके प्रश्नों पर हम किसी अन्य स्थान पर चर्चा कर लेंगे। मेरे प्रश्नों के लिए इससे उपयुक्त अन्य कोई स्थान नहीं है गृहपति सूर्यदेव। और स्पष्ट सुन ले, मैं यहाँ मूक दर्शक बनने नहीं आया, अभी तो असुर जाति को न्याय दिलाने आया हूँ। मैं श्रद्धा हूँ, जीवन के विभिन्न रंगों में भक्ति का स्पर्श करवाने वाली श्रद्धा हर मन को प्रभु भक्ति की ओर आकर्षित कराने वाली श्रद्धा। मैं श्रद्धा हूँ। देवर्षि नारद द्वारा जगदीश्वर श्री हरि विष्णु का निमंत्रण पाकर समस्त ग्रह देवी एवं देवतागण उत्साह उमंग के साथ वैकुंठ पहुँचे। भव्य सभागृह में जप तप व्रत की महिमा बढ़ाने वाले महासम्मेलन की गरिमा जब शनि देव के उकसाने पर शुक्र देव के हस्तक्षेप के कारण समाप्त होने लगी। मैं यहाँ मूक दर्शक बनने नहीं आया, अभी तो असुर जाति को न्याय दिलाने आया हूँ। किंतु आपके न्याय मांगने का ढंग उचित नहीं है शुक्रदेव। उचित अनुचित की परिभाषा में पढ़ने का इच्छुक मैं नहीं शिवशंकर। आप असुरों के आराध्य हैं, किंतु आपने भी असुरों पर हुए अन्याय के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया। शांत हो जाएं शुक्रदेव। इस महासम्मेलन को विवाद का मंच न बनाएं। जप तप व्रत जैसी कल्याणकारी भावना पर विवाद अनुचित है। सर्वप्रथम इस पर चर्चा पूर्ण हो जाने दें, उसके पश्चात हम आपके प्रस्तावों पर अवश्य विचार करेंगे। विचार अभी और इसी समय करें श्री विष्णु। सर्वप्रथम असुरों को उनका सम्मान और अधिकार दें, तत्पश्चात चर्चा प्रारंभ करें। अर्थात आप ये महासम्मेलन प्रारंभ होने देने के इच्छुक नहीं हैं। इस व्यर्थ वाद विवाद का परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। आपको ये वाद विवाद शोभा नहीं देता है शुक्रदेव। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके समर्थन और स्वीकृति के बिना हम कोई निर्णय नहीं करेंगे। मुझे आप पर तनिक भी विश्वास नहीं है। छल से असुर सेनापति राहु का शीश काटने वाले, मोहिनी रूप धारण कर असुरों के साथ पक्षपात करने वाले श्री विष्णु से मैं भली भांति परिचित हूं। मुझे ज्ञात है असुरों के प्रति आप सबके मन में तनिक भी सहानुभूति नहीं है। आप महासम्मेलन में भी
छल बल पूर्वक अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले हैं। बैठ जाइए शुक्रदेव, बैठ जाइए। नहीं, कदापि नहीं। अपनी बात की स्वीकृति प्राप्त किए बिना मैं नहीं बैठूंगा। मैं विरोध करता रहूंगा। ब्रह्मा जी, देवाधिदेव शिव शंकर, इस विवाद को यहीं समाप्त कर देना उचित होगा, अन्यथा इस महासम्मेलन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हम आपसे पूर्ण सहमत हैं जगदीश्वर। जगत पालक श्री विष्णु, आप इस महासम्मेलन के अधिष्ठाता हैं। इस विवाद के अंत का उपाय करने का आपको पूर्ण अधिकार है। शुक्रदेव, हम अंतिम बार आपसे अनुरोध करते हैं कि आप असुरों के विषय में अनावश्यक विवाद उत्पन्न न करें, सम्मेलन का उद्देश्य पूर्ण होने दें। मैंने निश्चय कर लिया है वैकुंठपति, असुरों को न्याय दिलाए बिना मैं नहीं बैठूंगा। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुचित हठ का परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। मैं विष्णु घोषणा करता हूं कि शुक्रदेव के शरीर में स्थित देवत्व मात्र उनके ग्रह नक्षत्र भाग में सीमित हो जाएं। दैत्यों के पक्षापति रूप शुक्रदेव के शरीर से भिन्न होकर शुक्राचार्य के रूप में स्थापित हो। जो कि दैत्य गुरु के रूप में प्रसिद्ध होगा। आपको इस महासम्मेलन से बहिष्कृत किया जाता है शुक्राचार्य। ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवतागण सुन ले, मैं अपने इस घोर अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं दैत्यों को इतना शक्तिशाली बनाऊंगा कि वे आपके जप तप और व्रत की समस्त योजनाओं को ध्वस्त कर सके। श्री हरि विष्णु द्वारा वैकुंठ और देव लोकों से बहिष्कृत शुक्राचार्य के विरोधात्मक स्वरूप का प्रभाव त्रिदेवों पर किंचित मात्र भी न पड़ा। महासम्मेलन का कार्य आगे बढ़ाते हुए जगदीश्वर श्री हरि विष्णु ने जप तप व्रत की महान महिमा से जन जन को लाभ पहुंचाने के लिए विचार विमर्श का प्रारंभ किया। इसी समय चारों बाल ऋषि जप तप व्रत और श्री हरि की महिमा का गुणगान करते हुए ज्यों ही वैकुंठ के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उसी समय वैकुंठ के द्वारपालों ने उन्हें भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। ठहरिए, अतिथि पत्रिका में आप चार बाल योगियों के नाम नहीं हैं। आप चारों इस महासम्मेलन में आमंत्रित नहीं हैं। आप वैकुंठ में प्रवेश ना करें। प्रिय जय, प्रिय विजय,
हम चारों ही जगदीश्वर श्री विष्णु के अंशावतार हैं। इस संसार का हर जीव जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु का ही अंशावतार है। किंतु जिस उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया है उसी जप तप और व्रत की महिमा का गुणगान करने के लिए ही प्रभु ने हमें प्रकट किया था। किंतु महासम्मेलन में जप तप और व्रत की महिमा का गुणगान नहीं अपितु नियम आदि निर्धारित किए जा रहे हैं, वहाँ आपका क्या कार्य? हमारा कार्य में ज्ञात है, आप दोनों हमारा मार्ग न रोके, महासम्मेलन में हमारा शीघ्र पहुँचना अत्यंत आवश्यक है। ये असंभव है, हम आपको भीतर जाने की आज्ञा नहीं देंगे। जय विजय, तुम दोनों अनुचित कार्य कर रहे हो। हम दोनों श्री विष्णु के द्वारपाल हैं, उचित अनुचित को भलीभांति जानते हैं। जय विजय, तुम में हट के साथ साथ अहंकार भी प्रवेश कर गया है। बाल योगियों, हमारे विकार को ढूंढने का दुस्साहस न करो, इस स्थान से शीघ्र हट जाओ। नहीं, तुम हमें शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर रहे हो। अहंकार पूर्ण भाषा बोलकर तुम दोनों ने हमारा अपमान किया है, हम तुम्हें शाप देते हैं। वैकुंठ से तुम दोनों का पतन हो जाएगा, तुम बार बार दैत्यों के रूप में जन्म लोगे तथा हर युग में जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु के अवतारों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगे। हमें क्षमा कर दे, अज्ञान में हमसे भूल हो गई। बाल योगी हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। जय विजय, हम दिया हुआ शाप लौटा नहीं सकते, तुम्हें अपने पाप का फल भोगना ही होगा। जय विजय, अब पश्चाताप से कोई लाभ नहीं, हमने विधि के विधानों के संकेतों का ही पालन किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टि के सृजनहार, सृष्टि के पालक, सृष्टि के संहारक तथा महासम्मेलन में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को हमारा प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु, हम चारों इस समय महासम्मेलन सभागृह में क्षमा भाव के साथ उपस्थित हुए हैं। बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय के अहंकारिक हस्तक्षेप के कारण हम सब ने उन्हें हर युग में असुर रूप में जन्म लेने का श्राप दिया है। आपने कुछ अनुचित नहीं किया है बाल योगियों, हम त्रिदेवों को इस बात का ज्ञान है कि सतयुग त्रेता युग और द्वापर युग में जब धर्म के उत्थान और मानवता के कल्याण के लिए हम अवतार धारण करेंगे तब बैकुंठ लोक से पतित यही जय विजय ही हमारे सम्मुख असुर बनकर शत्रु रूप में खड़े होंगे। आपने जय विजय को शाप देकर भविष्य की संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया है।
बाल योगियों, आप चारों जप तप और व्रत की महिमा के सूत्रधार हैं। आपके द्वारा जो कार्य होगा उससे संसार का कल्याण ही होगा। हम तो मात्र करता है भोलेनाथ, कारण तो कोई और है। उस कारण ने कर्ता को अपने योग्य समझकर ही भविष्य की घटनाओं का संकेत दिया है। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु को हम सभी ग्रह अपना आराध्य मानते हैं। मैं सूर्य ग्रहों का अधिपति होने के नाते ये घोषणा करता हूं कि हम सातों ग्रह जप तप और व्रत द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सरस्वती लक्ष्मी पार्वती इन त्रिदेवियों की आराधना करने वालों की सदा सहायता करेंगे। गणपति सूर्यदेव, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं। आप अपनी इच्छा और निर्णय मानने के लिए मुझे शनि देव को विवश नहीं कर सकते। मैं स्वयं शक्तिशाली एवं तेजस्वी हूं। मेरा अपना अस्तित्व एवं महत्व है। पुत्र शनि देव, हमें शक्ति तेज और महत्व ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। इन्हीं की कृपा से संसार में हमारा महत्व है। आपका महत्व होगा सूर्य देव, आपका। मैं स्वयं तेजस्वी एवं महत्वाकांक्षी हूँ, मुझे किसी कृपा की आवश्यकता नहीं है। ना तो मैं ब्रह्मा का दास बनने का इच्छुक हूँ, ना विष्णु का। भगवान शिव के प्रति मेरे मन में आदर सम्मान है, किंतु वहीं तक। जहां तक मेरे स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे। शनिदेव, उत्तेजित ना हो ग्रहपति सूर्यदेव, सब कोई सुने। जो जीव इन त्रिदेवों से निराश होकर मेरी पूजा आराधना तथा जप तप करेगा, उसे मैं शनिदेव इच्छुक फल अवश्य प्रदान करूंगा। शांत रहे शनिदेव, आपको अपना विरोध प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है, किंतु आपको अपने पिता सूर्यदेव के सम्मान का भी ध्यान रखना उचित होगा। पिता, तो आज इस मंच पर इनके पिता होने की परिभाषा भी सुन लीजिए। इस शनि का दुर्भाग्य यही है कि इसके पिता सूर्यदेव हैं। पुत्र शनि, सत्य को सुनकर आहत न हो सूर्यदेव, यह कटु सत्य है कि मेरे पिता ने एक क्षण भी मेरी ओर स्नेह भाव से नहीं देखा। मुझे ज्ञात नहीं कि पिता का प्रेम क्या होता है। मेरा पिता जन्म से ही मेरा विरोध करता रहा और यह बात मैं कदापि नहीं भूल सकता कि इन्होंने मेरी विमाता संध्या का पक्षपात करते हुए मेरी माता छाया का सदा सदा अपमान किया। पुत्र शनिदेव, क्या तुम हमारे साथ ही साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अपमान करने की इच्छुक हो? मेरे मन में आपके समान ही इनके प्रति कोई आदर नहीं। इन सब ने भी आप ही के समान सदा मेरी उपेक्षा की है, सदा मुझे अशुभ और नीच ग्रह समझा है इन्होंने। तुम भयानक भूल कर रहे हो पुत्र। ये भूल है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो समय करेगा सूर्यदेव, किंतु अब
मैं आप लोगों के साथ कदापि नहीं रहूंगा। पुत्र शनि। हाँ सूर्य देव, हाँ। अब मैं मानवों, दानवों और देवताओं को भी अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। अपने तेज के सम्मुख सबको झुका कर रख दूंगा। मैं शनि हूँ, शनि। पुत्र शनि। मनन है कृतिकार का, तप ही साधन, तप ही कारण, जीव के उद्धार का, व्रत है तृप्ति, व्रत है निष्ठा, दर्श है ओंकार का, दर्श है ओंकार का। शक्तिमान की व्रत ही देता हर एक जन को सच्ची शिक्षा ध्यान की, सच्ची शिक्षा ध्यान की। नमः शिवाय, नमः